हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर 4 प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले तो एक ऑपरेटिव जो अपनी अकाउंटिंग साइकिल है उसी का क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या क्या होता है अकाउंटिंग प्रोसेस में। सबसे पहले ट्रांजेक्शन को पहचानना, उसे इक्वेशन के तौर पर लिखना, उसके वाउचर बनाना, देन उसको ओरिजिनल एंट्री बुक में रिकॉर्ड करना, यानी या तो जर्नल में और या सब्सिडी बुक्स में, देन उसको लेजर में लिखना, और देन उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी पहले ट्रायल बैलेंस बनेगा और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट ये बनेंगी। तो ये क्या अकाउंटिंग के स्टेप है, ये बात अपन अकाउंटिंग साइकिल में भी सीख चुके थे। तो इस चैप्टर में नाम पूछेंगे, इनका एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेंगे। तो स्टेप वाइज आप नाम याद कर लीजिएगा, पहले ट्रांजेक्शन, देन उसका वाउचिंग होता है, वाउचर बनता है, फिर उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको लेजर में, लेजर से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर में से ये बनेगा। एक आपका ये बनेगा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन सी होती है, कैश बेस अकाउंटिंग और एक्रुअल बेसिस अकाउंटिंग। तो बेसिकली इसका जो है वो डिफरेंस आएगा कि कैश बेस अकाउंटिंग और एक्रुअल बेसिस अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होते हैं। तो इसमें सारे खर्चे कैश पेमेंट होते हैं, उन्हीं को लिखा जाता है। यहाँ जितने खर्चे अकर हुए हैं, भाई आपके खर्चे 10 हुए तो यहाँ 10 लिखा जाएगा, लेकिन पेमेंट 8 हुए तो यहाँ 8 ही लिखा जाएगा। यही बात इनकम में है कि आपकी इनकम 25 हुई तो 25 लिख दिया गया, लेकिन रिसीव उसमें से 20 हुई तो 20 ही लिखा जाएगा। तो सारे खर्चे, सारी इनकम यहाँ कैश बेसिस पे आती है और यहाँ एक्रूअल बेसिस पे आती है। तो इसके कोई 3 या 4 डिफरेंस आप याद कर लेना, ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनेगा, इसका अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बेसिस पे इसका एक छोटा न्यूमेरिकल भी बन सकता है कि यहाँ भाई कैश बेसिस अकाउंटिंग पे नेट प्रॉफिट कितना निकल रहा है और एक्रुअल बेसिस पे कैसा निकल रहा है। तो इसका एक न्यूमेरिकल जो है वो भी मैं लिख रहा हूँ और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, तो वो न्यूमेरिकल भी आपको देखना है। एक होता है हाइब्रिड और मिक्स बेसिस अकाउंटिंग, जिसमें दोनों होते हैं, यानी उसमें कैश बेसिस भी होगा और एक्रुअल बेसिस भी होगा, तो उसको अपन क्या कहते हैं, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया, मिक्स। ठीक है, तो इसमें जो आपकी इनकम्स होती हैं वो तो कैश बेसिस पे लिखी जाती हैं और जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्रूअल बेसिस पे लिखे जाते हैं। ये मैं आपको बता दूं, है ना, यानी अकाउंट जो बन रहा है उसमें इनकम जो है वो कैश बेसिस पे चलती है और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो एक्रूअल बेसिस पे चलते हैं। तो हाइब्रिड का हो सकता है एक नंबर का क्वेश्चन कोई बन जाए उस पॉइंट से। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट तो इस चैप्टर में यही है कि कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो आपसे बेसिकली पूछा जाएगा, तो ये अपन को ध्यान रखना है। इससे मैं आपको ये भी बता दूं, कैश बेसिस अकाउंटिंग को जो है लीगल बेसिस नहीं है इसका, मतलब कोई भी कंपनी एक्ट वगैरह जो है इसको अलाउड नहीं करता, जबकि एक्रूअल बेसिस सभी जगह अप्रूवल है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसको अप्रूव करता है। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस चैप्टर। इसमें से 2-3 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं आप इनको करके जाएगा, इस चैप्टर में से इतना ही आएगा। ओके, थैंक यू।